नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्वार फली ढोकली, जो खाने में टेस्टी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए तो फिर देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। एक कांच का बाउल लेंगे, उसके अंदर हम आधा कप गेहूँ का आटा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है, आधा कप बेसन डाल देंगे, इसे भी मैंने अच्छे से छान लिया है, जीरा डाल देंगे, नमक डाल देंगे और धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, गर्म मसाला डाल देंगे और लाल मिर्ची का पाउडर और चाट मसाला और गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे, मैंने रोस्टेड कसूरी मेथी ली है, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच ही हमें ऑयल डालना है और सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले फ्रेंड आप अपने हिसाब से और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद बंधने लगे तब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एकदम टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे। तो ध्यान रहे, हमें टाइट डो लगाना है, सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। 2 पिंच के करीब मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दूंगी, मैं डालना भूल गई थी, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 पिंच ही डालना है। इससे हमारा जो ढोकली है वो खाने में टेस्टी लगेगी और सॉफ्ट बनेगी अंदर। तो देखिए डो हमारा लगकर बिल्कुल तैयार हो गया है। पानी थोड़ा थोड़ा करकर ही डालें, एक साथ ना डालें, नहीं तो डो पतला हो जाएगा। तो देखिए डो मैंने लगा लिया है और अब हम इसे ढककर रख देंगे। और मैंने 250 ग्राम ग्वारफली लिए, जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, टुकड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई के अंदर तेल डाल देंगे। तो मैं 1 बड़ा चम्मच तेल का डाल रही हूँ, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। गैस को ऑन कर देंगे, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरे को हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। जब जीरा हमारा अच्छे से भून जाएगा हम इसके अंदर हरी मिर्ची डाल देंगे। तो मैंने 2 हरी मिर्ची ली है बारीक कटी हुई, ये ज़्यादा तीखी नहीं है और इसे भी हम चलाते हुए भून लेंगे। जब हमारी हरी मिर्ची भी भून जाएगी तो हम प्याज डाल देंगे। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, जिसे बारीक कट कर लिया है, इसे भी हम चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। और अब हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, आप लहसुन अदरक को बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले हमें थोड़े थोड़े डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालें। लाल मिर्ची का पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, जो हमने ढोकली में डाले थे वही सारे मसाले हम इसके अंदर भी डालेंगे, पर थोड़े थोड़े डालेंगे क्योंकि ढोकली के अंदर भी मसाले हैं, नहीं तो ये ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और 2 मैंने टमाटर लिए थे, जिसको मैंने प्यूरी बना ली थी, वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अब तब तक पकाएंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। कंटिन्यू धीमी आंच पर पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से भुन गया है और अब हम इसके अंदर ग्वारफली डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए कम से कम 2 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए मसाले के अंदर पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो मैं अभी 2 गिलास पानी डालूंगी, कम पड़े तो आप और डाल सकते हैं। पानी को उबलने देंगे, अब हम ढोकली बना लेते हैं। तो इसमें से हमें थोड़ी थोड़ी सी लोइयां तोड़नी है, छोटी छोटी सी। तो पहले हम लोइयों को कट कर लेते हैं, थोड़ा सा डो लेंगे और इस तरह से हम लोइयों को कट कर लेंगे। तो ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी सी बनाएंगे और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप बड़ी खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़े बड़े भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से गोल करते हुए दबा देंगे और इस तरह से बनाएंगे। तो आप बड़े भी बना सकते हैं, मैं थोड़ी छोटी बना रही हूँ और इसे प्लेट में रख लेंगे। तो इस तरह से हम वापस इसे गोल करेंगे और ऐसे दबा देंगे और अंगूठे से इस तरह से दबा देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये फ्रेंड उबलने के बाद थोड़ी साइज़ में बड़ी भी हो जाएंगी और मोटी भी हो जाएंगी। तो ज़्यादा मोटी ना बनाएं, नहीं तो पकने में टाइम लगेगा। तो देखिए इस तरह से बना लेंगे, सभी हम इसी तरह बना लेंगे। देखिए मैंने सभी बना ली है और उधर पानी भी उबल गया है हमारी सब्जी का। और अब हम इसके अंदर एक एक करके सभी डाल देंगे। पानी कम पड़े तो आप 1 गिलास इसके अंदर और डाल सकते हैं। ढोकली को गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से बना सकते हैं।
ये बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड। आप इसे चाहे डिनर में खाएं, चाहे लंच में खाएं, चाहे सुबह के ब्रेकफास्ट में खाएं, ये सभी में बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम ऊपर से इसे कवर कर देंगे, धीमी आंच पर हम इसे 5 से 7 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। आप देखेंगे 5-7 मिनट में ये उबल के ऊपर आ गई हैं और साइज़ में काफ़ी बड़ी भी हो गई हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप देख रहे हैं साइज़ में काफ़ी बड़ी हो गई है, हमने छोटी छोटी इसके अंदर डाली थी और ये काफ़ी फूल गई हैं, सभी ऊपर आ गई हैं। तो इसका मतलब हमारी ढोकली जो है वो पक गई है। आप एक बार खा के भी देख सकते हैं, चख के देख लें और पानी कम पड़े थोड़ा डाल लें। ग्वारफली भी हमारी इसको पकने में 7 से 8 मिनट लगते हैं, आपको 1-2 मिनट ज़्यादा भी लग सकता है। इसे अच्छा सा टेस्ट देने के लिए इसके अंदर हम 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे पकाया है। ढोकली को गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अब हम इसमें से 1 कटोरी निकाल देंगे, क्योंकि मेरी छोटी बेटी जो है वो धनिया नहीं खाती है, और अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूंगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, पर उसे नहीं पसंद तो वो नहीं खाती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी बनकर तैयार हुई है ग्वारफली ढोकला। गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड इसे आप जैसे मर्जी खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और एक बार तो आप इस तरह से ग्वारफली ढोकली ज़रूर बनाकर खाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।